प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर के। ज्योतिष को समझना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को समझना चाहते हैं, तो सिर्फ तत्वों को समझ लीजिए। नक्षत्रों को समझना है तो तत्वों को समझ लीजिए, ग्रहों को समझना है तो तत्वों को समझ लीजिए, लग्नों को समझना है, मतलब ये कि किसी भी चीज को अगर समझना चाहते हैं तो उसके मूलभूत उसके एटम को समझ लीजिए, उसके मेटल को समझ लीजिए, उसके मैटर वो कहां से आया है इसको समझ लीजिए। जैसे ही उसकी प्रकृति आपको पता चल जाती है कि ये इस प्रकृति का है, तो इसका मतलब है कि वो उसी प्रकृति से आया है, वो जिसका जो जहां से उसका बीजारोपण हुआ है, उसका प्रादुर्भाव जहां से हुआ है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो बीज छुपा है वो उसके तत्व का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है। तो आज मैं जिस चीज की बात करने आपके सामने आया हूं, उस विषय में हम सिर्फ राशियों के तत्वों को समझेंगे कि कौन सी राशियां किस तत्व के अंतर्गत आती हैं, या जातक के ऊपर अगर किसी खास तरह का प्रभाव देखा जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर उस तत्व का प्रभाव है जो उसको प्रभावित कर रहा है। राशि और तत्व बिल्कुल सरलता से समझिएगा, बिल्कुल छोटे और मध्यम बातों में समझाने का प्रयास करूंगा। मेष राशि, अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व का मतलब क्या है? अग्नि की तरह तीव्र, क्रोध तीव्र, शांति तीव्र, चलायमान तीव्रता से, व्यवहार कैसा? तीव्र और तीक्ष्ण होगा। मतलब जातक के ऊपर अगर मेष राशि का प्रभाव है या मेष लग्न से आ रहा है, या उसके कुंडली के ऊपर मेष लग्न का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, या मेष राशि का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, या मंगल का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब है मंगल का नहीं, अगर मेष राशि का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है इसका मतलब है कि जातक क्रोधी स्वभाव का होगा, मेहनती होगा और अपने कार्य में तीक्ष्णता को दिखाने वाला होगा। तो कुछ ऐसी है कि स्थिति, अगर आप अग्नि तत्व से आते हैं तो ये राशियां अगर जो देख लीजिए क्रमशः मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें सिर्फ अग्नि तत्व की अगर बात करें तो जातक के ऊपर अग्नि का प्रभाव ज्यादा रहेगा, वो क्रोधी ज्यादा हो जाएगा और जल्दी से शांत भी हो जाता है, उसकी वाणी क्रोध से भरी होगी या उसको गुस्सा अत्यंत तीव्रता से आ जाएगा। अगर बात करें तो यहां पे मेष राशि अग्नि तत्वीय और धनु राशि भी अग्नि तत्वीय है, यानी कि धनु राशि या धनु लग्न के जो लोग होंगे उनके ऊपर क्रोध की आधिक्यता रहेगी, या क्रोध जब आएगी तो अत्यंत तीव्रता से आएगी और जल्द शांत हो जाते हैं। तो ये इस राशि का प्रभाव होता है, राशि का प्रभाव नहीं, ये उस तत्व का प्रभाव होता है जो उस राशि को प्रभावित करता है अपने गुण से, अपने प्रभाव में उसको डाल देता है। अब यहां पे प्रिय दर्शकों भूमि तत्व की बात कर देते हैं, तो भूमि तत्व का मतलब हो जाता है कि जातक बिल्कुल साधारण जीवन जीने वाला होगा, या ये कह सकते हैं कि उसका विकास बहुत तीव्रता से नहीं, स्थिरता के साथ होने वाला होगा, भूमि से संबंधित कार्यों को करने वाला होगा, विचार उसका भूमि से संबंधित, या क्रमशः ऐसा कहा जा सकता है कि समाज के ऐसे वर्गों से उसका परिचय ज्यादा होगा जो प्रायः किसान वर्ग से आते हों, या प्रायः एक कार्मिक क्षेत्र से आते हों, कार्मिक क्षेत्र से आते हों और समाज के निम्न वर्ग से उसका पहचान होता है। अब प्रिय दर्शकों आते हैं वायु तत्व पे, तो वायु तत्व का मतलब है कि जातक के अंदर तीव्रता होगी और सुगंध करने की क्षमता होगी, अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता, और तीव्र संवेदनशील, संवेदनशील होने का मतलब है और कि एक कि जातक का विकास जो होगा वो अत्यंत तीव्रता के साथ होता है। लेकिन याद रखिएगा जितनी जल्दी जल्दी विकास होती है, विकास की प्रक्रिया एक जगह पे जाके मेंटेन करती है और फिर वो नीचे जाती है। मिथुन लग्न या मिथुन राशि से अगर आप प्रभावित हैं तो आपका विकास बहुत तीव्रता के साथ होता है और व्यवसायिक प्रवृत्ति हो जाती है, तो व्यवसायिक प्रवृत्ति हो जाना मतलब अपने लाभ को देख लेना, मुझे इस व्यक्ति से लाभ है तो उसको अपने पक्ष में करना, मुझे इस व्यक्ति से नुकसान है तो उससे जल्दी कन्नी काट लेना, ऐसी स्थितियां तत्व को प्रभावित करती हैं या तत्व से प्रभावित होती हैं। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि अगर वायु तत्व से प्रभावित है तो अत्यंत तीव्रता से अपने सुगंध से अपने सुगंध को फैला देना, वायु कैसी होती है? विचरण करने वाली होती है, एक जगह पर स्थिर न रहना और हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, लेकिन तीव्रता के साथ, थोड़े से मेहनत से ही जातक बहुत तीव्रता से सारी चीजें पा लेता है। पृथ्वी तत्व
तो पृथ्वी तत्व के बारे में जातक जमीन से जुड़ा हुआ होगा। जमीन से जुड़ा हुआ होना और जमीन के लोगों से संपर्क बनाना, ये दोनों अलग बातें हैं। अगर आप जमीन से जुड़े हैं, मतलब खुद चाहे कितने भी बड़े और विद्वान और धनाढ्य क्यों न हो जाएं, आपके बुद्धि की जो विकास होगी या आपकी बुद्धि ऐसी होगी कि अपने आप को कभी भूलेंगे नहीं और पृथ्वी से जुड़ करके क्षमाशील प्रवृत्ति हो जाती है, क्षमा करने का गुण हो जाता है, किसी भी की भी गलती को अत्यंत आसानी से भूल जाते हैं और प्रायः उसके साथ फिर से वही प्रेम दिखाने लगते हैं। जिस तरह से धरती माता हमारे प्रत्येक गलतियों को भूलने का काम करती हैं, उस पर हम चाहे कुछ भी कर लें उसको वो क्षमा कर देती हैं, ठीक इसी तरह से पृथ्वी तत्व वालों का स्वभाव होता है कि वो उनके अंदर क्षमाशीलता देखी जाती है। और प्रायः ऐसे होते हैं कि शहर में जाकर के भी गांव की गलियों को भूलते नहीं हैं। वो शहर में है, मजबूत है, स्थिति अच्छी है, लेकिन फिर भी जब गाँव में आएगा तो गाँव की गलियों में भी नंगे पैर चल लेता है और अपने स्थिति को याद रखता है कि वो कहां से आया है। प्रायः ये स्थितियां वायु तत्व के लोगों में कम देखी जाती हैं कि अगर वो गांव से विकास करके शहर में जाते हैं तो गांव को भूल जाते हैं। लेकिन अगर एक पृथ्वी तत्व के लोगों से पूछा जाए तो पृथ्वी तत्व के ऊपर से ऐसा प्रभाव दिखता है कि वो गांव में रहा है और शहर में बसा है तो वो अपने गांव को भूलेगा नहीं, गांव की गलियों को याद रखता है। और प्रायः अगर गांव में है तो अपना संबंध बना करके रखता है, हित मित्र से जुड़ करके रहना चाहता है, उसके साथ जुड़ करके रहना चाहेगा, उसको कभी भूलता नहीं है और प्रत्येक इंसान की गलतियों को क्षमा करना जानता है। जल तत्व की बात कर लेते हैं तो प्रिय दर्शकों, जल का मतलब क्या है? एक ऐसा तत्व जो बहुत जल्दी प्रभावित होता है किसी दूसरे के व्यवहार से, किसी दूसरे के ऊपर, किसी दूसरे के स्वभाव का या किसी दूसरे के पर्यावरण का उसके ऊपर प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। तो जल तत्व का होना मतलब जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशन वाली स्थिति। जातक किसी दूसरे के विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित, अति संवेदनशील हो जाना। जल का कोई आकार और निश्चित आकृति नहीं होती है, इस वजह से जातक का कोई निश्चित निर्णय बदलेगा, अत्यंत तीव्रता से बदलेगा। निर्णय, किसी खास निर्णय को मेंटेन करना और अपने प्रकृति को एक जगह स्थिर करके रखना जल तत्व वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जल तत्व हो जाना मतलब आपके प्रकृति को थोड़ा सा वैमनस्य मिल जाता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती है और जल की आकृति के हो जाने के कारण व्यक्ति भावुक हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है, भावनाओं में बहा ले जाता है। भावनाओं में बहता भी है और अगर बहुत ज्यादा मजबूत हुआ तो अपनी भावनाओं के साथ लोगों को बहाने की भी क्षमता रखता है। ये तत्वों की विशेषता है। अगर आप जिस तत्व से आते हैं तो उस तत्व से आप ज्यादा प्रभावित हैं। अगर आपके शरीर के अंदर ये राशियां बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं आपको, तो निश्चित रूप से इन तत्वों का प्रभाव आपके ऊपर देखा जा सकता है। यहाँ पे अगर आप जल तत्व से आते हैं या जल तत्वीय राशि से आते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर भटकाव होगा और अनिर्णय वाली स्थितियां ज्यादा होती हैं। कारण कि जल मतलब उसकी तुलना मन से की गई है, तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्षयत, यानी कि मन ही जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के कारण, प्रत्येक व्यक्ति के सुख और दुख का कारण हो जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्षयत, यानी कि मन ही है जो उसके बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। मतलब कि अगर आपने अपने मन को यानी कि अपने तत्व को कंट्रोल कर लिया, उसको संयमित कर लिया, उसको निग्रहित कर लिया, तो फिर आपको कष्ट नहीं होगा। और निश्चित रूप से अगर अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, मन को वश में कर लिया, तो आपने इंद्रियों को जीत लिया है, एक स्थिरता को आपने प्राप्त कर लिया है। तो ऐसी स्थिति तत्वों के हिसाब से देखी जाती है। कुछ इसी तरह से कार्यक्रम का समापन करते हैं। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और खुद को समझने में इससे आसानी होती है। अगर तत्वों को समझ लिए तो उसकी विवेचन आप अपने अपने हिसाब से इन तत्वों को समझ सकते हैं। मैंने जो चीजें बताई हैं हो सकता है वो बिल्कुल अलग हो आपके हिसाब से, बिल्कुल संभव है कि आप अग्नि तत्व को किसी और तरीके से परिभाषित करते होंगे, जल तत्व को किसी और तरीके से परिभाषित करते होंगे, वायु तत्व को किसी और तत्व से परिभाषित करते होंगे। तो ये अपने अपने मत के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी खास तत्व को किस स्थिति में रख रहे हैं। तो वायु तत्व यानी कि तीव्रता से विकास, भूमि तत्व मतलब स्थिरता के साथ गंभीर विकास, जल तत्व मतलब अनिर्णय वाली स्थिति का अत्यधिक हो जाना और भावुक हो जाना,
वायु और अग्नि का मतलब है कि तीव्रता से और अत्यंत चलायमान और स्थिरता कम, क्रोध वाली स्थिति ज्यादा, अपनी वाणी से लोगों को क्रोध करेगा, सत्यम ब्रुयाद वाली स्थिति, सत्य बोलेगा लेकिन अप्रिय बोलेगा, तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो प्रायः सत्य ही बोलना जानता है और प्रायः कटुवाची या कटुभाषी हो जाता है। कुछ इसी तरह से प्रिय दर्शकों कार्यक्रम का समापन करते हैं, आशा करते हैं एक बार फिर से कल आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।